हाई एवरी वन, माई सेल्फ नारायण सर फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल अकेडमी वापी। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर टू, स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर टू, सम स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाउ इज गोइंग ऑन। एंड इसमें देखा जाए तो हमने दो पार्ट कंप्लीट किए हैं और आज हम पार्ट थ्री चालू करेंगे। पहले दो पार्ट में हमने इंट्रोड्यूस कराया था अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड सेकेंड पार्ट में हमने उनसे रिलेटेड पॉइंट्स लाइक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर, हाँ, आइसोडायपर्स, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स समझाए गए हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट्स और बताए गए थे। बात करते हैं स्टूडेंट आज पार्ट थर्ड में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका प्रोपेगेशन, ट्रांसमिशन, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, बट विदाउट एनी मीडियम, बगैर किसी सपोर्ट के। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, स्टील वाटर है, एक छोटा सा स्टोन मैं फेंक दूं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, मैंने ये स्टोन वाटर में फेंका, जहां ये स्टोन गिरेगा वहां पर वाटर डिस्प्लेस होगा, लाइक दिस वे। आप इमेजिन कर सकते हैं कहां तक जाएगा, किनारे तक जाएगा। तो ये जो वाटर गिरा, तो इसने क्या किया, ये वाटर को, मतलब स्टोन गिरा, वाटर को डिस्प्लेस किया, तो ये वेव हो गई ट्रांसफर वेव, दैट इज द क्रेस्ट, और नीचे जो होता है वो ट्रफ। तो ये जो है यहाँ तक आ रहा है, तो इसका प्रोपेगेशन क्या हो रहा है, बाई मीडियम हो रहा है। यहाँ के पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी मिली, इसको ट्रांसफ़र किया, उसको ट्रांसफ़र किया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कि इसको कंसिडर कर लिया हमने, एक आयरन की रॉड, एक गर्म कर दिया हमने, बहुत हीट कर दिया, रेड हॉट, एकदम ब्लड की तरह रेड, और रख दिया उसके ऊपर हम, आप अपना हैंड, हम या आप अपना हैंड ले जाएंगे, टच नहीं करना है, उसके ऊपर ले जाना है। आप ले जाओगे कुछ डेफिनेट डिस्टेंस पर, तो आपको क्या महसूस होगा, गर्मी महसूस होगी। आपको जो गर्मी लग रही है, आप ये सोचो कि रॉड और आपके हैंड के बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी आप गर्मी महसूस कर रहे हो। तो यहां से हीट एनर्जी का ट्रांसफर, ट्रांसमिशन आपके हैंड तक हो रहा है विदाउट एनी मीडियम। सो ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो वॉट काइंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइक वंस अगेन एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, लाइक सनराइज होता है मॉर्निंग में, और जैसे ही राइज होता है आप समझ सकते हो कि वहाँ से फोटोन, जो पार्टिकल निकलते हैं सन से, फोटोन बोलते हैं, वहाँ से अर्थ सर्फेस तक आता है, कौन लाता है, कोई नहीं, कौन लाता है, कोई नहीं लाता। तो फिर वहां से आता कैसे, विदाउट एनी मीडियम, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने राइट करके रखा है यहां पर कि द रेडिएंट एनर्जी विच डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, मींस आगे बढ़ने के लिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, इंफ्रारेड, विजुअल, ये सारे जो है ये सब इसके पार्ट है। क्लियर? हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ट्रांसमिशन होता है, जो उसकी स्पीड होती है, तो बोलते हैं ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट एंड द कंसिस्ट विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट टू द परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। एंड देन मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज बाय सिक्स कैरेक्टर। इस जो कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब इसके हैं, वो टोटल सिक्स कैरेक्टर्स हम डिफाइन करते हैं इसको। कौन कौन से हैं, एक एक को करके पढ़ेंगे हम। वन, पहला पॉइंट से आता है हमारा वेवलेंथ। सेकेंड हमने राइट कर दिया फ्रीक्वेंसी। थर्ड
यहाँ राइट कर दिया हमने वेव नंबर फोर्थ वेलोसिटी फिफ्थ एम्पलीट्यूड नंबर सिक्स टाइम पीरियड ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जिससे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने इसके बेस पर न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है, कुछ पॉइंट्स करेंगे, कुछ आपको होमवर्क रहेगा उसके बेस पर। सो स्टूडेंट मैं आपको यहां पर दे रहा हूं सोर्स ऑफ वेव, और सोर्स ऑफ वेव मतलब जहां से जनरेट होता है, और ये टर्म्स ले लिया हमने, राइट कर दिया प्रोपेगेशन ऑफ वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? एक वेव है लाइक दिस वे, एक वेव के ट्रांसमिशन में जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम वर्ड देते हैं क्रेस्ट, डाउनवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को वर्ड देते हैं ट्रफ। तो एक क्रेस्ट हो गया और एक ट्रफ हो गया, एंड देन इस पॉइंट को हम वर्ड देते हैं क्या, ए एम्पलीट्यूड, और दो क्रेस्ट के बीच का जो गैप होता है दैट इज जनरेटेड बाय लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। सो स्टूडेंट अब इन पॉइंट्स को हम इस स्टडी करते हैं। जैसे पहला पॉइंट्स यहाँ दिया गया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पहला पॉइंट है नेम लिखा है क्या, वेवलेंथ, वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट आर ट्रफ, ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट आर ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। Denoted by lambda. अब हम वेवलेंथ को किस फॉर्म में न्यूमेरिकल में दिए रहेंगे वो भी देखना है आपको। हो सकता है एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो वन एंगस्ट्रॉम को हमें क्या करना होगा, मीटर में बदलना होगा, 10^10 meter। अगर हमें नैनोमीटर में दिया है तो 1 nanometer इज इक्वल टू 10^-9 meter। अगर हमें पिकोमीटर दिया है तो 10^-12 meter। अगर हमें माइक्रोमीटर में दिया है तो 10^-6 meter। तो ये नंबर ऑफ यूनिट होंगी जो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम में इस टर्म में आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। तो ध्यान रखना आपको उस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना, तो इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया वेवलेंथ। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी है क्या, बोलते कि फ्रीक्वेंसी क्लियर इज द नंबर ऑफ वेव दैट पास फ्रॉम अ पॉइंट इन 1 second। सो हम राइट करेंगे अगला टर्म्स है हमारा फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव दैट पास from a point in 1 second is called frequency।
फ्रीक्वेंसी को हम ग्रीक वर्ड न्यू से डिनोट करते हैं, जो वी लाइक होता है बट वन साइड थोड़ा मूव होता है, वेंट होता है न्यू। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। व्हाट इज सी? वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है, फिक्स वैल्यू इसकी। सो स्टूडेंट, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है अगर हम बात करें, क्योंकि किस टर्म में आप कैसे पहचानोगे कि क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी है या नहीं है, क्या लिया है? तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट पहला एक तो हर्ट्ज हो गया, दूसरा साइकिल पर सेकेंड लिखा होगा, या फिर सेकेंड इनवर्स होगा। तो साइकिल पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज होगा, तो दैट्स इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। मतलब वो समझ लेना कि फ्रीक्वेंसी दिया है। अब फ्रीक्वेंसी दिया है, ये टर्म्स हो गया आपका, एंड देन आपका सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राइट किया है क्या? वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर क्या है उसके अबाउट जानते हैं। तो अगला टॉपिक हो गया वेव नंबर, दैट इज जनरेटेड बाय न्यू बार। हम क्या पढ़ते हैं इसको? न्यू बार। द इनवर्स ऑफ, द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। सो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। लैम्डा की यूनिट है मीटर, तो इसको हम लिखेंगे मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स। एंड देन आफ्टर अब बात करेंगे हम वेलोसिटी की। तो अगला टर्म्स हमारा है किसका? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा? वेलोसिटी मीन्स, यहां राइट करते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। इज कॉल्ड वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम राइट करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, पॉइंट जो हमें पढ़ना है नंबर फिफ्थ, दैट इज द एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है अब उसके बारे में जानेंगे हम लोग। सो अगला पॉइंट है स्टूडेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड दैट इज डिनोटेड बाय ए, बोलते क्या है? द हाइट, हाइट ऑफ क्रेस्ट, द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एंड नेक्स्ट लास्ट सिक्स पॉइंट, दैट इज द टाइम पीरियड टाइम पीरियड्स। सो व्हाट आई मीन ऑफ टाइम पीरियड्स, टाइम पीरियड को बात करें तो
The time required to complete 1 cycle by wave is called time period. Time period is inverse of frequency. एक वेव, एक क्रेस्ट और ट्रफ, दैट इज द वन साइकिल. वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, या हम राइट कर सकते हैं इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड्स. सो दैट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टूडेंट. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या था, वन सेकेंड रिमाइंड कर दूं मैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीनिंग वो रेडिएंट एनर्जी है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और इज प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 कैरेक्टर. व्हाट इज दिस? फर्स्ट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी. अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक में 3 एग्जांपल दिए हैं स्टूडेंट, 2.3, 2.4, 2.5. तो एग्जांपल की बात करूं मैं स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड जैसा हमारा एग्जाम काफ़ी क्लोज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हिंट्स दूंगा और आपको कंप्लीट करना होगा एटलीस्ट. अब बात करते हैं 2.3, 2.4, 2.5 की. तो मैं जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा हैं, जो थोड़े टफ लगेंगे, उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज भी आपको करना है, इन्हीं के बेस पर है. देखो तो और क्या क्या न्यूमेरिकल्स के बेस पर अगर हम देखे जाए, तो अभी हमारे पास 2.3, 2.4, 2.5 ये जो एग्जांपल हैं ये आपको करने हैं, जो इसी हेडिंग के बेस पर ये जो मैंने राइट किया है बेस्ड हैं, टोटल पॉइंट्स इसी के बेस पर हैं. तो अब राइट करते हैं न्यूमेरिकल्स इसके बेस पर जो भी है, तो आपको आइडिया लगेगा कि नहीं कि इन कैरेक्टर जो हमने 6 राइट किए, डिफाइन किया गया है, उनका क्या पॉइंट्स हैं. सो स्टूडेंट राइट करते हैं पहले एग्जांपल नंबर 2.4. तो एग्जांपल 2.4 जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में इसको राइट करके रखा क्या, प्रॉब्लम नंबर 2.4. तो मैं एग्जांपल करके राइट कर रहा हूँ, आप प्रॉब्लम के टर्म्स में राइट करोगे. सो प्रॉब्लम के टर्म में राइट करें तो मैं जैसा देख रहा हूँ यहाँ पर मेंशन किया है कि द वेवलेंथ ऑफ रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेंज ऑफ विजिबल, द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम नाउ एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रे. मतलब यहां पर मेंशन किया है, और जो वायलेट टू रेड दिया है वो उनकी वेवलेंथ मेंशन किया वहां पर कि वायलेट एक्सटेंडेड नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर. क्लियर? सो हमें इसे एक्सप्रेस करना है, तो लिखा क्या है कि नाउ एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें इन्हें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में राइट करना है.
सो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में राइट करना है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे इस पॉइंट्स को अगर पढ़ने जा रहे हैं तो क्या करना स्टूडेंट? पहला पॉइंट, वायलेट जो रेंज है उसके लिए लैम्डा दिया है 400 नैनोमीटर। तो मैंने अभी बताया 400 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब 400 को भी कन्वर्ट कर दो, 400 इंटू क्या हो जाएगा, 400 का 4 × 10⁻² × 10⁻⁹। जब ये करेंगे तो इंटू जब होगा तो ये पावर ऐड होती है, पावर ऐड होगी तो हम राइट करेंगे 4 × 10⁻⁹ + 2 मतलब 4 × 10⁻⁷ मीटर। हमें इसको कन्वर्ट करना फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी की स्टैंडर्ड वैल्यू, सी आपको मैंने पहले ही राइट कर दिया कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, आपको ऑलवेज याद करके रखना है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब हम करेंगे क्या, सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसलिए मैं बोला हूँ कि बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं इधर के, तो आप आसानी से कर सकते हो, एक दो मैं कर रहा हूँ, बाकी आपको करना एक्सरसाइज और इन एग्जाम के लिए। तो सी बाई लैम्डा, सी का वैल्यू है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ है कितना 4 × 10⁻⁷। माइनस सेवन ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम राइट करेंगे 3 × 10⁷ = 8 × 7 = 15 डिवाइडेड बाई 4, या आइदर इसको राइट कर दो 30 × 10⁴ = 14 / 4। 30 कैसे हुआ, 1 पावर कैंसिल करोगे 0 आ जाएगा, तो इसको 30 को डिवाइड करें बाई 4 तो क्या आएगा, 4 × 7 = 28 आ जाएगा, 28 के बाद बचेगा 2 राइट, तो दिस वन 10⁴ हर्ट्ज़। सो दैट इज द नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेवलेंथ इन वायलेट रीजन। सेकेंड इज रेड, रेड के लिए वेवलेंथ दिया आपको 715 नैनोमीटर, मतलब 7.5 × 10⁻² × 10⁻⁹। इसका 7 पॉइंट लिया तो 2 का पावर ले लिया प्लस में, नैनोमीटर को मीटर में ले लिया, फिर वही 10⁻⁷, तो राइट करेंगे 7.5 × 10⁻⁷ मीटर। अब इसका हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, तो सी बाई लेमडा, सी का वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ है डिवाइडेड बाई वेवलेंथ है 7.5 × 10⁻⁷। ऊपर जाके प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 7 ऊपर गया 15 हो गया 10⁻⁵, और ये हो गया 3 × 7.5। हम 1 पावर कम लेते हैं इसका, 10⁻⁴ कर दे रहा हूँ, ये 30 हो जाएगा इंटू डिवाइडेड बाई 7.5, ये डेसिमल कैंसिल करो ऊपर 300 हो जाएगा राइट, एंड देन अब इसको डिवाइड कर दो 4 से, देखो 75 क्या होगा 28 × 30 300 मतलब 4 × 10⁻⁴ हर्ट्ज़। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ वायलेट एंड रेड रीजन दिस। इसी के बेस पर और भी न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर जिनको हमें करने हैं, तो मैं उनको भी आपको बता दूँ। अब प्रॉब्लम नंबर 2.5 की बात करूँगा मैं। सो प्रॉब्लम नंबर 2.5 स्टूडेंट केयरफुली इसको राइट करेंगे, समझेंगे, कुछ ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्लियर, एंड देन बाकी बचे हुए एग्जाम्पल जैसे 2.3 एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में है कुछ न्यूमेरिकल्स, इनके बेस पर तो जो भी दिखे आपको उनको कंप्लीट करना है। सो मैं एक और एग्जाम्पल बता दूं जिससे थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए इस पॉइंट को। बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 2.5, जहां पर मतलब प्रॉब्लम नंबर्स आपको इसी टर्म में राइट करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2.5 में जैसा मैं देख रहा हूँ राइट किया क्या कि कैलकुलेट द वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलो कलर रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800। सो राइट किया है क्या कि कैलकुलेट वेव नंबर राइट कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ
येलो कलर रेडिएशन, हैविंग वेवलेंथ 5800 angstrom. तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, एक तो वेवलेंथ फाइंड करना है, सॉरी वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी। तो समझ सकते हो कि पॉइंट्स क्या होंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट होगा क्या, पहले तो इस वेवलेंथ को कन्वर्ट कर देते हैं। 5800 एंगस्ट्रॉम लिखा है, मतलब हम राइट कर सकते हैं क्या इसको 5.8 × 10³³ × 10⁻¹⁰ मीटर। इसको कन्वर्ट कर दिया 5.3 को लिया पावर में, एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻¹⁰ मीटर, मतलब 5.8 × 10⁻¹⁰ मीटर। अब बात करते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, तो 1/5.8 × 10⁻¹⁰। आप समझ सकते हो कि ये ऊपर जाकर हो जाएगा क्या 1 × 10⁻¹⁷ / 5.8, या इसको राइट कर सकते हो आप, डेसिमल कैंसिल करो, तो डेसिमल कैंसिल करो तो ये 10, इसका एक पावर ले लेते हैं 100 × 10⁻⁶ कर देते हैं डिवाइडेड बाय 58। जब इससे डिवाइड हम करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 1.72 अप्रॉक्स 1.724 × 10⁻¹⁶, दैट इज द वेव नंबर है। क्लियर, तो किस में आएगी ये मीटर इनवर्स। दूसरा हमें फाइंड करना है क्या, दूसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी का वैल्यू कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ है आपका 5.8 × 10⁻¹⁷। वंस अगेन पॉइंट्स को हम राइट करते हैं आपको, और ये माइनस सेवन ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10⁻¹⁵ हो गया, और ये सिर्फ 5. डेसिमल हटाए तो इधर हो जाएगा 30/58, एक पावर और का माइनस कर देते हैं 14, इसको 300 ले लेते हैं, इजी हो जाएगा डिवीजन में। अब इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो 5.17 × 10⁻¹⁴ जो फाइनल आंसर हमारा आएगा, और फ्रीक्वेंसी है तो सेकेंड इनवर्स में। सो ये हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टॉपिक। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने बता दिया आपको कि आप एग्जांपल नंबर 2.3 विविध भारती से रिलेटेड रेडियो स्टेशन से रिलेटेड है, जहाँ पर वेवलेंथ दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है या फ्रीक्वेंसी जो भी हो, बड़े ईजी न्यूमेरिकल्स होंगे, तो इसी के बेस पर और भी एक्सरसाइज में आप जो न्यूमेरिकल होंगे करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसा और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अगला मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन चलेगा। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर, अगर इस पॉइंट को हम स्टडी करें तो मैं आपको बता दूं कि 1905 साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज दैट द फेनोमेनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पॉइंट के बाद हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पॉइंट है इसमें होता क्या है। जब कोई रेडिएशन किसी मेटल के सरफेस पे गिरता है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को वर्ड देते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जब लाइट के पार्टिकल किसी मेटल से टकराते हैं तो उनसे सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, जिसे वर्ड देते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और उसी टर्म में रेडिएशन से। तो इन 1901 साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक प्रेजेंटेड अ न्यू थियरी विच इज नोन एज क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन। सो व्हाट आर मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी तीन होते हैं, तीसरा मैंने लास्ट में भी मेंशन करेंगे। पहला, अ हॉट बॉडी रेडिएंट एनर्जी नॉट कंटिन्यूअस बट डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्वांटा, क्वांटम और फोटोन। मतलब जो लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं सनलाइट से यहाँ तक अर्थ सर्फेस पर, जो हम मतलब ये हो गया कि हम सनलाइट कि डायरेक्शन में हम खड़े हो जाएं, हमको गर्मी लगने लगे बॉडी में, समझ लो क्वांटा हमारे बॉडी में आ रहे हैं, और क्वांटा है क्या, दैट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी।
So small discrete packet of energy is called quanta or photon, quantum, everything. ये तीनों का meaning एक ही है. और यहाँ पर बताया गया क्या कि the energy of photon is directly proportional to the intensity of light, मतलब frequency. अगर मैं ये consider कर लूँ कि frequency पर ही intensity है, तो intensity frequency ज़्यादा, intensity उतनी ज़्यादा, directly proportional to क्या new or either E is equal to H new. और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, एज वी नो दैट. सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी बाई लैम्डा. सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बट व्हाट इज एच, हम बात करते हैं एच की, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. इट्स द स्टैंडर्ड वैल्यू इज 6.626 इंटू 10^-34 जूल पर सेकेंड. तो जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर कितनी है, जूल सेकेंड है. अब बात करते हैं इसके पॉइंट्स की वॉलिट, जो हमने किया ईच कल टू एच न्यू. अगर न्यू दिया तो भी एनर्जी निकाल सकते हैं, या तो वेवलेंथ दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फिर हम राइट करेंगे एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन. वन मोल ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एन ए इंटू ई. व्हाट एनर्जी निकालेंगे फोटोन की, उसमें क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. एवोगाड्रो नंबर क्या है, यानी है, यानी का वैल्यू, यानी की वैल्यू लेसन वन में हमने सिखा दिया आपको 6.022 इंटू 10^23. तो हमें क्या करना है, एनर्जी निकाल के उसमें यानी का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन. अब अगले पॉइंट पे जाते हैं, थर्ड नंबर पे बोलते कि जो रेडिएंट एनर्जी है यहाँ पर, वो एक कंप्लीट क्या होगी, वन क्वांटम होगी, या तो फिर कोई भी मल्टीपल वैल्यू होगी, राइट, इन क्वांटम, मतलब लाइक जैसे एच न्यू हो गया, और टू एच न्यू हो गया, थ्री एच न्यू हो गया, फोर एच न्यू हो गया. तो जो भी वैल्यू होगी वो क्वांटम के नंबर बढ़ेंगे तो वो मल्टीपल होता जाएगा. सो इट इज जो पॉइंट हमने यहाँ बताया अभी, सो दिस इज द व्हाट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी. मेन टारगेट रहेगा आपका यहाँ पर, स्टूडेंट देखेंगे एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन दिस. अच्छा, इसको राइट भी कर सकते हो आगे कैसा, कि हमने राइट कर दिया एन ए इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, लाइक दिस वे. और आइदर हम एन ए इज इक्वल टू एन ए एच न्यू, मतलब यानी डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा आपको. तो ये है मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी. अगर हम बात करें इसके बेस पर, तो काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं. पहले हम लोग एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर आपको आइडियाज लग जाएंगे कि क्या करना है इसमें, किस टाइप से आएगा. तो एक एग्जाम्पल ऐड करते हैं 2.6, बात करते हैं प्रॉब्लम 2.6 की. अगर मैं बात करूं जैसा मैं देख रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 2.16, तो इसमें न्यूमेरिकल में दिया कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन दैट हैविंग राइट रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी 5×10^14 हर्ट्स. सो मैं राइट कर रहा हूं यहाँ पर, राइट किया क्या, कैलकुलेट द energy of one mole photon that photon of radiation, photon of radiation whose frequency is 5×10^14 हर्ट्स. हमें वन मोल ऑफ एनर्जी का निकालना है जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 5×10^14 हर्ट्स. सो स्टूडेंट पहले तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख लेंगे हम, कितना है 5×10^14 हर्ट्स. फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10^-34
इंटू फाइव इंटू टेंस पावर 14 हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 14 इसमें देखो इंटू पर ही पावर प्लस हो जाएगी, पावर प्लस होगी तो सीधे देखो माइनस 34 प्लस 14 मतलब टेंस पावर माइनस 20 हो गया, इंटू इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा प्रोडक्ट याद दिख रहा है क्या है 3.313। क्लियर? इंटू टेंस पावर क्या मेंशन किया हमने, टेंस पावर हो गया आपका 19, ये आपका हो जाएगा एक पावर आएगा इंटू टेंस पावर माइनस 19, ये हो गया जूल। अब मोल में निकालना हमें तो एन ए इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे 6.022 इंटू टेंस पावर 23 इंटू 3.313 इंटू टेंस पावर माइनस 19। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 199. जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी स्टूडेंट कैलकुलेशन के बाद 199.5 किलो जूल पर मोल अरायदा अगर हम जूल में कंसीडर करते हैं 0.199.5 इंटू टेंस पावर नथिंग जूल। सो दैट इज द एनर्जी जूल पर मोल। सो ये पॉइंट्स हो गया आपका एनर्जी हो गए, ये हो गया आपका किलो जूल पर मोल में और ये जूल पर मोल में। तो ये न्यूमेरिकल हो गया काफ़ी इजी, मतलब न्यूमेरिकल होंगे, फार्मूले याद है आप फटाफट करते जाओगे। अब इनके बेस पर एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जहां पर काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल। और जो अगला प्रॉब्लम्स है मैं बात कर रहा हूं 2.6 के बाद 2.7 की, तो 2.7 जो है उसके बेस पर एक्सरसाइज में दो न्यूमेरिकल्स है तो मैं अभी इसको कंप्लीट करके वो सारे नंबर राइट कर दे रहा हूँ और आज के टॉपिक जो है उसके बेस पर सारे न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज से। सो स्टूडेंट मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड देन इसके बाद हम लोग डिस्कशन चलेगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानने से पहले इनके एक और बेस्ट न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। क्या मेंशन किया है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसके बेस पर कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे वो भी बता दे रहा हूँ, कट टू कट आप देखोगे तो सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट राइट करते हैं 100 वाट बल्ब 2.7, प्रॉब्लम नंबर है 2.7। अगर हम 2.7 की बात करें तो मेंशन किया क्या है 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट राइट, एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। सो 400 नैनोमीटर की जो है ये वेवलेंथ के साथ ये एमिट कर रहा है। तो लिखा क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक बल्ब। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, दो स्टेप का ही है बट हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह पूछा जा सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है। आपके टेक्स्ट बुक में टोटल इसके बेस पर 3 न्यूमेरिकल हैं, वो 3 न्यूमेरिकल कहाँ हैं, 2 एक्सरसाइज में हैं स्टूडेंट और एक एग्जांपल। सेम बेस अभी मैं इसको कंप्लीट करके आपको राइट कराऊंगा एक्सरसाइज और एग्जांपल के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स के बेस पर हैं, तो आप उन सबको सर्च करना, वीडियो देखना, वीडियो देखकर क्या मैंने सॉल्व किया कैसे किया, रीड करना, टैली कराना, क्योंकि जस्ट अभी आप 10th से आप आ रहे हो हायर सेकेंडरी 11th में तो चीज़ें कुछ आपको शॉर्ट टाइम के लिए टफ लगेंगी बट इतना नहीं है, आपको अगेन एंड अगेन उस पर फोकस करना है, कॉन्स्टेंट माइंड से सोचना है। वन टाइम माइंड में अगर स्ट्राइक हो गया तो आपकी वो थिंकिंग लेवल बढ़ता जाएगा और अच्छे से सारी चीज़ें अननोन चीज़ें भी आनी चालू हो जाएंगी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब। सो स्टूडेंट अब यहाँ पर पॉइंट मैं बात करूँ, मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझाता हूँ बड़े ईजी तरीके से कि सपोज दैट मैं इलेक्ट्रिक बल्ब लगा के समझाता हूँ आपको। सपोज दैट हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपके रूम में लग गया है राइट,
और इस इलेक्ट्रिक बल्ब से क्या हो रहा है, ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इस की पावर, बल्ब की पावर कितनी है बेटा, 100 वाट या 100 जूल सेकेंड लिखेंगे। अब इसमें से इस इलेक्ट्रिक बल्ब में से क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब में से क्या हो रहा है, फोटोन एमिट हो रहे हैं भाई, लाइट के पार्टिकल। जब बल्ब जलेगा तो क्या करेगा, लाइट पास करोगे, स्विच प्रेस करोगे तो ये निकल रहा है, ये सब है क्या, दैट इज व्हाट, दैट इज द फोटोन। तो 100 वाट के बल्ब से इतनी वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है, इसकी इन सब पार्टिकल की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा कितना दिया है, 400 नैनोमीटर, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ सिंगल फोटोन, और पूरे फोटोन की एनर्जी कितनी है, 100। तो हमें निकालना क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब इज इक्वल टू टोटल पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। भाई टोटल पावर ऑफ द बल्ब मतलब पूरे जो बल्ब की पावर है, एनर्जी है, वो पूरे जितने उससे निकलते फोटोन मिलकर बनाते हैं, तो पूरे मिलकर इतना वाट का बनाते हैं, एक फोटोन की एनर्जी निकल जाए, टोटल पावर को डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ फोटोन निकल जाएगा। अब हमारे पास टोटल पावर तो दिया है, कितनी है, 100 जूल सेकेंड। हमें निकालनी है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो हम एनर्जी के लिए जाएंगे क्या, इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। एच है 6.626 इंटू 10^-34, सी है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 4 × 10^2 × 10^-9, 2 प्लस होगा, 4 × 10^7, ये पॉइंट्स हो गया। अब इस वैल्यू को राइट कर देता हूँ मैं, कितना, 4 × 10^7। अब इस वैल्यू को जो ये मैंने राइट किया है यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू मिलने वाली है आप स्टूडेंट, वो है 4.969, कितना है, 4.969 इंटू 10^ जो वैल्यू है 18 जूल, हाउ मच, 10^18 जूल। अब हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू आ गई तो 4.96 एग्जैक्ट वैल्यू, सॉरी स्टूडेंट 7815 प्लस की जगह माइनस होगा 19, सॉरी बाई मिस्टेक क्रिएट कर दिया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 100 बाई 4.969 इंटू 10^-19, इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो जो हमें फोटोन के नंबर मिलेंगे वो होंगे कितने, 2.012 इंटू 10^, जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 20 फोटोन, मतलब इतने फोटोन मिलकर इतने वाट का बल्ब बनाते हैं। अब स्टूडेंट इसके बेस पर मैं न्यूमेरिकल बोल देता हूँ आपको कौन कौन से करने हैं। अब हम जाएंगे इसके बेस पर एक्सरसाइज में, आप लोग केयर करना, मैं राइट कर दे रहा हूँ कौन कौन से, 2.6, 2.7, 2.8, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 और 2.11, इतने न्यूमेरिकल करेंगे तो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इसमें से एक न्यूमेरिकल पिछले वाले हेडिंग के बेस पर है, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बाकी टोटल न्यूमेरिकल आपको ये होमवर्क है, आप इतना करोगे, क्लियर, ये आपका होमवर्क हो गया। और डेक्टो न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किए हैं इनके बेस पर ही है, राइट, कहीं पर दो आगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में जाओगे 2.8 और 11 को देखोगे तो 2.8 11 में यहाँ पर बदला है, सिर्फ कहीं 1 जूल है, कहीं 25 जूल है, बाकी वेवलेंथ दिया है, आप निकाल के सारे फॉर्मूले पर ये सीधे से पुट कर दोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो उसके अबाउट पढ़ते हैं, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट उससे भी फोन पहले पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, आगे के पॉइंट्स क्या है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड देन आपका उसी पॉइंट से रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज के इस लेक्चर में इन पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हाइजेनबर्ग, डी ब्रॉगली इक्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन 1887 साइंटिस्ट हर्ट्ज़ परफॉर्म एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन वेयर इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल वेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक विद मेटल। सो दिस फिनोमेनन इज ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एज ए लाइक मैं यहाँ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। सपोज दैट ये मेटल है और ये इफेक्ट किन मेटल में इजिली ऑब्जर्व होता है, दिखता है? अल्कली मेटल, जिनका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, उनके बीच न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक है। ऐसे केस में ये इफेक्ट वहाँ आसानी से दिखता है। सो सपोज दैट हमने कोई भी यहाँ से हमने जो कंसिडर किया है, क्या पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सोडियम, ये सब मेटल है, अल्कली मेटल, बहुत पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े साइज के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सो इन सच केस अगर मैं बोलूं कि एक बीम ऑफ लाइट इस पर पास कर, इसके अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोलूं कि यहां पर हमने पास किया, किस फॉर्म में पास किया, इज इक्वल टू एच न्यू। व्हाट इज इज इक्वल टू एच न्यू? दैट इज द क्वांटा, अभी हमने मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ा, दैट इज द डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब ये फोटोन। अब ये फोटोन पास किया, इसके इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर जा रहे हैं, तो एनर्जी फोटोन जो टकराता मेटल से, मेटल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने ऑर्बिट, अपने मेटल सरफेस से बाहर जा रहे हैं, उसी को वर्ड देते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसे वर्ड देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे तो उस करंट का नेम होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये सोलर सिस्टम का सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है, तो आप समझ सकते हो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट सोलर पैनल से जो प्रोड्यूस होती है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एंड देन अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जो हमें रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या रिजल्ट मिला, मतलब लाइट इस पर पास कर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो वहां पर क्या क्या पॉइंट मिले? पहला, यहां पर बताया गया कि द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक विद द मेटल, मतलब ये मेटल है, जैसे बीम ऑफ लाइट इस पर गिरेगी तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, मतलब देर क्या होता है, नो टाइम लैग बिटवीन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्राइकिंग अबाउट इज बीम ऑफ लाइट। ऐसा नहीं बीम ऑफ लाइट टकराएगी फिर थोड़े समय बाद इलेक्ट्रॉन निकल, नो तुरंत जैसे लाइट गया वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द, इज लिख सकते हो यहां पर हम क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब ब्राइटनेस। देखो गर्मी समर सीजन में कितनी हाई इंटेंसिटी की लाइट आती है, आयरन की रॉड रख दो जल्दी गर्म हो जाती है, समर सीजन के बाद विंटर और अगर हम रेनी सीजन में रखें तो देर से गर्म होती है। क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि समर में जो रेडिएशन आता है सनलाइट का उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। एंड देन देर आर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि कोई आप घर में ट्यूबलाइट जल और रख दोगे इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको हम वर्ड देते हैं क्या, उसे वर्ड देते हैं व्हाट काइंड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज डिनोटेड बाई न्यू नॉट, उसे हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टूडेंट, कुछ माइंड में आया, आई होप आया होगा। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक विद द मेटल इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन एंड द करंट दैट पास बाय द फोटोइलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड
फोटोइलेक्ट्रिक करेंट्स एंड दिस द थ्री मेन पार्टिकल्स ऑफ कह सकते हो या रिजल्ट ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इन्हीं पॉइंट को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया जिसे वर्ड देते हैं क्या, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया, तो मैं आपको वापस से बता दूं, ये प्रोसेस इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोटोन गिर रहे हैं। अब फोटोन कौन से गिर रहे हैं, इज इक्वल टू एस न्यू एनर्जी के। अब इस एनर्जी के गिर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, बाहर जा रहा है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब निकलने के बाद भी इलेक्ट्रॉन इन मोशन है तो पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा इस तरह इस पॉइंट को देखो दिया है कि जो हम फोटोन आता है अ पार्ट ऑफ एनर्जी यूज टू द फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज नोन एज वॉक फंक्शन, मतलब वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन आता है और एटम को फ्री कर देता है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम वर्ड किस टर्म में मेजर करते हैं, वॉक फंक्शन, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं राइट। तो वॉक फंक्शन हो गया। अब लेकिन काइनेटिक दूसरा क्या, रेस्ट ऑफ एनर्जी यूज टू द गिविंग काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एनर्जी वो होती है बेटा, जैसे मैं ये दो डायग्राम ड्रॉ करूँ शायद ज़्यादा क्लियर होगा। एक हमने राइट कर दिया इज इक्वल टू एस न्यू नॉट का, ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है, ये पहला और ये दूसरा हो गया। पहला स्टेटमेंट इसको बता रहा है कि जो एनर्जी सप्लाई की जाती है उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में यूटिलाइज होती है जो वर्क फंक्शन के बेस पे मेजर करते हैं, मतलब वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा एस न्यू नॉट, दैट इज द वर्क फंक्शन। और ये वो है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन बाहर भी जाता है कुछ एनर्जी बचती भी है। तो हमें इस फॉर्मूले में क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये देखो इस एनर्जी की वजह से सप्लाई कर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, एनर्जी बच रही है, तो हम राइट करेंगे एस न्यू, और ये सिर्फ वो एनर्जी है जिससे क्या इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो एस न्यू नॉट, मतलब इतनी ज़रूरत पड़ी क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और इसको सप्लाई करेंगे तो एनर्जी बच भी रही है, तो एक्सेस में से लोअर माइनस कर देंगे या राइट करेंगे एच न्यू माइनस न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम व्हाट इज न्यू एंड ई नॉट, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वे आर न्यू इज इक्वल टू वन सी बाई लैम्डा एंड न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट। तो फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा एंड माइनस सी बाई लैम्डा नॉट, राइट द एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, मतलब ये क्या हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया आप, इस इक्वेशन का नेम ही है क्या आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं। सो ये पॉइंट्स हो गया बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनके बेस पर भी न्यूमेरिकल्स और भी पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को बचे हुए हम डिस्कशन करेंगे अगले क्लास लेक्चर में। फिलहाल वंस अगेन बता दूं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग द एमिशन और रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन अ सर्टेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टू द मेटल इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को फोटोइलेक्ट्रॉन और उसके थ्रू जो करंट सप्लाई की जाती है वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है। तीन पार्टिकल्स से बी केयरफुल स्टूडेंट, अच्छे से आप केयरफुल इसको रीड करेंगे और ये पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल्स हैं जो अगले लेक्चर में होगा। सो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, थैंक यू।